तो सीता जी कहती हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा। वो ज्ञानी जो हैं उनमें ज्ञान तो बहुत है लेकिन प्रेम नहीं है उनके अंदर। और राम जो मेरी तरफ को टेढ़ी निगाह करके देख रहे हैं इसी देख रहे हैं, ज्ञानी की तरफ तो नहीं देख रहे, वो मेरी तरफ को तिरछी निगाह से देख रहे हैं। और विलोचन लाल 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 निगाह है प्यार की भरी हुई। तो कहते जहाँ प्यार है वहीं राम है, जहाँ प्यार नहीं है इसलिए तर्क से राम को मत खोजो। बड़े बड़े ग्रंथ तर्क के उनसे नाम राम नहीं मिलेंगे, राम प्रेम से मिलेंगे। प्रेम करना सीखो, मानव का मानव से प्रेम हो। तुलसी ने रामायण के अंदर 7 कांड रखे हैं, यही में रुचिर सप्त सोपाना रघुपति भगति केर पंथाना। 7 कांड में रामायण बना रहा हूँ मैं, और सातों के सानों सीढ़ियाँ हैं, ये पौड़ियाँ हैं, सोपान हैं, किसका के रघुपति भगति भगवान की भक्ति प्राप्त करने के ये 7 सीढ़ियाँ हैं। इसमें से किसी भी सीढ़ी पर चढ़ जाना आप भगवान के पास पहुँच जाओगे। और ऐसे ही उन्होंने कहा कि मैंने इस अपने ग्रंथ को मानसरोवर बनाया है तो 4 घाट बना रहा हूँ मैं। पूरब के घाट पे कथा हो रही है, पश्चिम के घाट पे कथा हो रही है, उत्तर के घाट पे कथा हो रही है, दक्षिण के घाट पे कथा हो रही है। तो 4 घाट मैंने बना दिए हैं। ये मंदिर नहीं है जहाँ एक पुजारी एक जगह बैठा है, यहाँ तो एक सब तरह के लोग आएंगे। जो धनाढ्य आएंगे वो वहाँ कथा सुन रहे हैं, जो गरीब आएंगे वहाँ सुन रहे हैं, जो और जिनको लोग त्याग देते हैं वो वहाँ कथा सुन रहे हैं। तो कहते हैं इसलिए मैंने सब तरह के घाट बना दिए 4। और 4 घाट पे कथा करने वाले कौन हैं? तो पूरब के घाट पे भगवान शंकर बैठे हुए हैं और पार्वती को कथा सुना रहे हैं, और कह रहे हैं पार्वती को, पार्वती राम की कथा बड़ी गूढ़ है इसलिए आम आदमी इसको नहीं समझ सकता। तो श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, श्रोता भी ज्ञान निधि होना चाहिए और कथा राम के गूढ़, और वक्ता भी ज्ञान निधि होना चाहिए समझाने वाला। कथा राम की गूढ़, बड़ी गूढ़ कथा है राम की, तो किमी समझे मति मंद नर। जिनकी बुद्धि छोटी है वो इसको नहीं समझ पाएंगे। कलीमल और उसके बाद कली के जो दोष हैं उन दोषों में जो ग्रस्त हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं समझ पाएंगे। इसलिए तुम मेरे घाट पे आके बैठो तो इस घाट पे तुम्हारे लिए कथा सुनाऊंगा मैं। तो जो सिद्धांत पक्ष हैं रामायण के, रामचरित मानस के, जहाँ जहाँ सिद्धांत पक्ष आएगा समझ रहे वो भगवान शंकर बोल रहे हैं, सिद्धांत पक्ष वहाँ जाएगा। अब दूसरा पक्ष जो है, दूसरी जगह कौन बैठे हैं? दूसरी जगह बैठे हुए हैं भरद्वाज जी, और भरद्वाज जी को कथा सुनाने के लिए याज्ञवल्क ऋषि जी बैठ रहे हैं। याज्ञवल्क जो प्रयाग में बहुत बड़ा कुंभ लगा और याज्ञवल्क जी आ गए, तो कुंभ के बाद लोग तो चले गए, मकर मास माघ मास में वहाँ सारे लोग पहुँचते हैं, पर उन्होंने याज्ञवल्क जी को रोक लिया और याज्ञवल्क जी से कहा कि सारे महीने लोग राम राम का नाम लेते रहे तो राम कवन में पूछूं तो ही, राम है कौन कहो बुझाए कृपा निधि मोहि। जो बुद्धि के द्वारा राम को समझना चाहते हैं, तर्क के द्वारा, वो कहते समझाओ मुझे है कौन राम। तो याज्ञवल्क जी ने कहा कि एक महीने यहाँ लोग बैठे रहे, राम नाम कल्पवास यहीं होता है प्रयाग में, और कल्पवास में एक महीना लोग वहीं रुकते हैं, लाखों लोग, तुम्हारी समझ में नहीं आया राम कौन है? तो कहने लगे मेरी तो एक ही चीज़ समझ में आई। उन्होंने क्या कि एक राम अवधेश कुमारा, एक राम है वो राजा दशरथ का बेटा है। तासु चरित विदित संसारा, उसकी कथा तो दुनिया जानती है, रामलीला होती है उसमें देख लेते हैं। और कहते वो कथा क्या है, वो तो दो इतनी बड़ी कथा करते हैं लोग, 6-6 दिन रामलीला करते हैं, मैं तो 2 अक्षरों में उसको कहूँ। नारी विरह दुख लहे अपारा, औरत के विरह में रोते फिरे, भयो रोष रन रावण मारा। एक दिन क्रोध आ गया तो जाके रावण को कत्ल कर दिया। तो कहते हैं राम वही है क्या? तो सोई राम की अपर कोई जा सुबज त्रिपुरार। तो तर्क से मैं समझना चाहता हूँ, मुझे समझाओ। तो जहाँ तर्क की बातें आएंगी रामचरितमानस के अंदर, वो समझ लो भरद्वाज जी और याज्ञवल्क्य जी बोल रहे हैं। याज्ञवल्क जी और भरत जी का संवाद इस रूप में आएगा। अब तीसरे घाट पर कौन बैठे हैं? तीसरे घाट पर काकभुचुंड जी बैठे हुए हैं। काकभुचुंड जी ज्ञानी नहीं मानते अपने आप को, भक्त मानते हैं। तो काकभुचुंड जी बैठे हुए हैं वहाँ,
और कथा किसको सुना रहे हैं, पक्षियों को कथा सुना रहे हैं। उसमें गरुड़ भी आ गए, गरुड़ भी आके बैठ गए, छोटे बड़े कौआ चिड़िया। तो जहाँ छोटे बड़े आदमी, कोई छोटा है बेचारा झाड़ू लगाने वाला सड़क का, कोई और ऐसे आदमी है, और उसमें कुछ बड़े आदमी भी आके बैठ गए। तो जहाँ हर तरह के छोटे आदमी जा रहे हैं, वो राम को उस रूप में नहीं समझ सकते जो भगवान शंकर समझा रहे हैं सैद्धांतिक रूप से, जो पार बल्कि यहाँ भक्ति के रूप में समझ, यहाँ भक्ति की कथा हो रही है। यहाँ भक्ति के रूप में जो समझना चाहते हैं वो आदमी भक्ति वाली कथाओं को हर आदमी समझ लेता है। तो इसलिए वहाँ पर जाकर के जो बैठेंगे आदमी, वो काकभूषण जी सुनाने वाले हैं वो भी भक्त हैं, और जो सुनने वाले हैं वो भी बड़े सादा सादा आदमी हैं सादा। अब भक्ति वाले ये नहीं कहते कि राम कवन में कौन, राम है कौन जिसकी लोग पूजा कर रहे हैं, वो ये नहीं कहते। वो तो कहते हैं कि शीश जटा और बाहु विशाल, विलोचन लाल, तिरछी सी भौं हैं, सीता जी बैठी हैं जंगल में और राम पास में खड़े हैं। तो जंगल वनवासी औरतें जो आती हैं, पढ़ी लिखी तो है नहीं बेचारी, वो हाथ जोड़ करके पहले सीता जी से कहते हैं, विलग्न माने जान गंवारी, हम गंवारी हैं, गाँव की हैं, अगर हम कोई उल्टी सीधी बात पूछ रहे तो बुरा मत मानिए सीता। तो सीता ने कहा, मैं तो जानती हूँ तुम बड़ी सीधी साधी और भोली भाली औरत हो, बोलो। उसने कहा कि शीश जटा, इसकी लंबी लंबी जटा है, और बाहु विशाल, बड़ी बड़ी बाहु है इसकी, विलोचन लाल, लाल लाल इसके नेत्र हैं, ऐसे नेत्र हैं जो प्यार से भरे हुए होते हैं, लाल हो जाते हैं उसमें, और तिरछी सी भौं हैं, और टेढ़ी आँख करके तेरी तरफ देख रहा है। तो पूछत ग्राम वधू सिया सो सखी, सांवरो सो रवि रावरो, रावरो को है ये सांवला सांवला सा जो है, ये तेरा क्या लगता है। तो वो औरतें जो भक्ति मार्ग की, वो भक्ति से पूछ रही हैं, सीता जी भक्ति है, तो वो ये कह रही है कि उधर तो ज्ञानी आदमी कहते हैं, जो ज्ञानी आदमी है वही ब्रह्म को प्राप्त करता है, और ये तू भक्ति मार्गी है, तो ये भक्ति से राम का क्या रिश्ता है, ये तेरी तरफ को टेढ़ी निगाह करके क्यों देख रहा है, इतने प्यार से क्यों देख रहा है। तो सीता जी कहती हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, वो ज्ञानी जो हैं उनमें ज्ञान तो बहुत है लेकिन प्रेम नहीं है उनके अंदर, और राम जो मेरी तरफ को टेढ़ी निगाह करके देख रहे हैं इसी देख रहे हैं, ज्ञानी की तरफ तो नहीं देख रहे, वो मेरी तरफ को तिरछी निगाह से देख रहे हैं, और विलोचन लाल 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 निगाह है प्यार की भरी हुई। तो कहते हैं जहाँ प्यार है वहीं राम है, जहाँ प्यार नहीं है इसलिए तर्क से राम को मत खोजो, बड़े बड़े ग्रंथ तर्क के उनसे नाम राम नहीं मिलेंगे, राम प्रेम से मिलेंगे। प्रेम करना सीखो, मानव का मानव से प्रेम हो, और छोटे आदमियों में इस चीज़ को अगर देखें तो तुलसीदास की रामायण से कार्ल मार्क्स ने चीज़ सीखी है। कार्ल मार्क्स कहता है कि जो बड़े बड़े लोग हैं इनके पास बड़ा धन है, संपत्ति है, करोड़पति लोग हैं, कारखाने हैं, लेकिन मजदूरों तुम्हारे पास एक, इनके पास वो चीज़ नहीं है, इनके पास क्या है, कंपटीशन, थ्रोट कट कंपटीशन। एक कारखाने वाला दूसरे कारखाने वाले को नीचे गिराना चाहता है, अंबानी बिरला को नीचे गिराना चाहता है, बिरला टाटा को, तो ये इन लोगों के पास तो है जेलसी, और तुम्हारे पास क्या है, प्रेम, संगठन है तुम्हारे पास। एक मजदूर दूसरे मजदूर से बड़ी सहानुभूति रखता है, उसके दुख दर्द में खड़ा हो सकता है। तो तुम्हारी जो यूनिटी है वो तुम्हारा सबसे बड़ा बल है, इस यूनिटी को जिस दिन तुम कायम रखोगे दुनिया को हिला दोगे तुम। तो यहाँ जो ग्राम वधु हैं ये कह रही हैं कि सीता तू भक्ति रूपा है तो तेरा इससे क्या रिश्ता है राम से। तो सीता कहती हैं, समझ जाओ अपने आप, मेरी तरफ को जो तिरछी भौं करके दे रहा है इसका मतलब मुझसे बहुत प्यार है। भक्ति के रास्ते से राम को प्राप्त करो, और वो रास्ता क्या है, प्रेम का रास्ता। दुनिया से प्रेम करो, संसार से प्रेम करो, मानव से प्रेम करो, दुखियों से प्रेम करो, कहते ये रास्ता है। तो ये तीसरे जहाँ प्रेम की बात आएगी वहाँ काकभूषण जी की बात आ जाएगी, और चौथे इस पर सारे इन सब को लेकर के चौथे जगह पर वो कहते हैं तुलसीदास जी बैठे हुए हैं, चौथे घाट पर दक्षिण का जो घाट है वह तुलसीदास जी बैठे हैं। पाही न के गति पतित पावन राम भज सुन सटमना। तुलसीदास जी कहने लगे अगर मैं अपने श्रोताओं को सठ कह दूं तो जूता लेकर खड़े हो जाएंगे, हमें मूर्ख कह रहा है। तो
तो यहाँ मैं कथा किसको सुना रहा हूँ? अपने मन को। स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। कोई सुनना चाहता है तो आके बैठ जाए, नहीं सुनना चाहता है तो ना बैठे, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि स्वांता सुखाए, जो सुन लेगा इसको उसके मन को शांति मिल जाएगी। दुनिया में जो भटक रहा है ऐसे लोगों को शांति देने के लिए मैं अपनी कथा सुना रहा हूँ। तो मेरा ग्रंथ क्या है? मेरा ग्रंथ को ज्ञान की दृष्टि से मत देखना, मेरे ग्रंथ को उस तरह भी मत देखना तर्क की दृष्टि से भी, जैसे याज्ञवल्क्य जी समझा रहे थे। मेरे ग्रंथ को इस दृष्टि से देखना कि किसी तरह का भी दुख हो, मन अशांत हो, तो मैं उनको कथा सुना रहा हूँ जिनका मन अशांत है, कि स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। मैं रघुनाथ का नाम सुना रहा हूँ उन लोगों को कि आपके मन को शांति मिल जाएगी। और तीनों का जो निचोड़ है मैं निकाल के रख दूँगा, क्योंकि ज्ञानी लोग हैं, इस ग्रंथ में से ज्ञान पढ़ लेना। जो तर्क से समझना चाहते हैं वो याज्ञवल्क्य जी का समझ लेना, जो भक्ति से समझना चाहते हैं वो काकभूषण जी को देख लेना, और जो अपने मन को शांति देना चाहते हैं वो मेरे पास आ जाएं, और मेरे पास आकर के उनको बड़ी शांति मिल जाएगी, आशा मिल जाएगी, निराशा से छूट जाएंगे वो। तो तुलसी ने चार घाट चार तरह के बनाए हैं, संसार में चार ही तरह के लोग होते हैं, तो तुलसीदास जी एक एक पद पर एक एक ग्रंथी को खोलते जा रहे हैं। तुलसी की दर्शन में ये तुलसी की रामायण में यही दार्शनिकता है कि तुलसीदास जी उदाहरण दे दे करके सारी ग्रंथी, चाहे वो ऐतिहासिक ग्रंथी हो चाहे वो सामाजिक ग्रंथी हो, उन्हें सबको खोलते चले जा रहे हैं तुलसीदास।